अस्सलाम वालेकुम। कराची के इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने अब तक की पार्टी पोजीशन जारी कर दी। तो भाई पार्टी पोजीशन तो हमें देखनी है कि क्या पार्टी पोजीशन है, लेकिन मसला ये है कि बात अगर कल की जाए कि 15 जनवरी को जो इलेक्शन हुआ, किस तरीके से इलेक्शन हुआ और कहाँ हुआ इलेक्शन, मतलब कराची शहर की अगर आप ये बात करेंगे तो कराची शहर में इलेक्शन तो हुआ, गहमे नजर नहीं आई इलेक्शन की। मतलब इलेक्शन में वो बात नहीं थी जिस तरीके से इलेक्शन होने चाहिए थे, लेकिन इलेक्शन हो गए, अल्लाह के करम से हो गए। वरना बस इलेक्शन तो बस डिले बडले और टाइम ज़ाया, ये हुआ वो हुआ, फलाना हुआ धमाका हुआ, कोई इलेक्शन करवाने की कोशिश में, कोई इलेक्शन रुकवाने की कोशिश में, क्या क्या चल रहा था। लेकिन कराची शहर के लोगों के बारे में कोई नहीं सोच रहा। यहाँ कराची शहर इस वक्त जो है मेयर ना होने की वजह से खड्डों वाला शहर हो चुका है। मैं आपको बताऊँ ना, कई जगहों से, ऐसी जगहों से गुजरता हूँ मैं जहाँ खड्डे बहुत, जहाँ स्ट्रीट लाइट का मसला और इलाकों के इंटरनली मसला आप देख लें तो खड्डों के अलावा तो सड़कें तो 12-15 साल 18 साल 20-25 साल से सड़कें ही नहीं है लोगों के पास। किसी के पास पानी का मसला है, किसी के पास सफाई का मसला, मतलब अजीब अजीब किस्म के मसाइल का शिकार है लोग। खैर, अब कराची इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने अब तक की पार्टी पोजीशन जारी कर दी है, तो उसके बारे में देख लेते हैं कि क्या हुआ है सिंध के अंदर। भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ सिंध ने गुज़िश्ता रोज़ कराची में होने वाले बलदियाती इंतखाबात की अब तक के नतज पर मबनी पार्टी पोजीशन जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक शहर के 95 यूनियन कमेटीज़ के नतज में पीपल्स पार्टी की 51 सीटें लेकर आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 21 सीटों के साथ दूसरे, जबकि जमात इस्लामी 19 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद है। JUI तहरीक लब्बैक और आज़ाद उम्मीदवारों ने एक एक नशस्त जीत ली है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि कराची की 140 नशस्तों पर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के नतज आना बाकी हैं। 140 नशस्तों पर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के नतज आना बाकी हैं, एक दिन बाद वो भी। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि शहर के 246 से 235 यूनियन कमेटीज़ में इंतखाबात हुए हैं। 11 नशस्तों पर उम्मीदवारों के इंतकाल की वजह से इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए और फिर पीपल्स पार्टी ने हैदराबाद में वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर ली। सिंध में बलदियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के सिलसिले में होने वाले बलदियाती इंतखाबात में हैदराबाद डिवीज़न से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर ली। फिर एक कराची के एक नामवर MPA खुर्रम शेर जमान हार गए जनाब। अबे भाई, इलेक्शन लड़ने की आपको ज़रूरत क्या थी? आप असम्बली में अच्छे नहीं लग रहे थे क्या? सिंध असम्बली का आप अच्छा भला हिस्सा थे, आपने ज़बरदस्ती जो है MPA की सीट पर रहते हुए आपने जो है इलेक्शन लड़ा। इस सीट पर तो मेरे हिसाब से MLA आलमगीर खान, साबिक MLA आलमगीर खान को इलेक्शन लड़ना चाहिए था और वो एक एलिजिबल आदमी था। वो शहर के मसाइल को समझता है, वो शहर की जड़ों को समझता है, शहर की जड़ों में जो मसाइल बैठा हो वो मसाइल को समझता है। तो मेरे हिसाब से तो PTI से आलमगीर खान ने इलेक्शन लड़ना चाहिए था, जिससे चांसेस थे कि शहर में बेहतरी की तरफ जो है ये शहर जाता। लेकिन खुर्रम शेर जमान साहब, आप तो PTI के MLA, उसके बाद आपने जो है मेयरशिप के लिए इलाके के किसी सीट से आपने इलेक्शन लड़ लिया, वो भी आप हार गए, शिकस्त हो गई आपको, सोचना चाहिए आपको तो खुर्रम शेर जमान साहब। खैर, खुर्रम शेर जमान साहब से बेहतर जो है मैं समझता हूँ कि आप MLA साबिक MLA जो है आलमगीर खान को सीट देते तो आपका इंशाल्लाह आपका जो है बेहतर रिजल्ट आता। पोलिंग के दिन का अहवाल तो आपको पता ही है, कितनी वीडियो वायरल हुई और कल तो मैंने भी देखा कुछ लोग जो मर चुके थे उनके नाम, उनकी शक्ल, उनकी तस्वीरें भी जो है वोटर लिस्ट में मौजूद थी। और मैं तो एक बात की निशानदेही कर सकता हूँ, बल्कि मैं कंफर्म बता रहा हूँ। कंफर्म क्या यार, मैं तो इस चीज़ को मानता हूँ, खैर मैं खोल के पेश नहीं करूँगा वो कौन था क्या थे। 10 साल पहले डेथ हुई थी, उस आदमी का भी नाम वोटर लिस्ट में मौजूद था, हैरानी की बात है, जबकि डेथ सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ बन चुके। पोलिंग के दिन का अहवाल तो आपको पता ही है कि कहाँ पर किस किस तरीके से वोटिंग हुई। फिर मैं खुद वोट डालने गया कहीं, तो वहाँ पर मिसगाइडेंस इतना था कि किसी को ठीक से पता ही नहीं था कि वो कहाँ पे जाके जो है वोट डालेगा, किस तरीके से वोट डालेगा, किसको डालेगा, कुछ नहीं पता था।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि शाम 5 बजे तक पोलिंग स्टेशन के आते में पहुंचने वाले वोटर्स को वोट डालने दिया जाए। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सिलसिले में प्रिजाइडिंग रिटर्निंग अफसरान और इंतखाबी अमले को हिदायत जारी की। कराची में पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI ने फतेह के दावे किए। कराची के नतज आने में तखिर हुई तो इस तमाम तर सूरत में इलेक्शन कमिश्नर सिंध ने तमाम डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान DROs को हंगामी मरासला लिखा, जिसमें कहा गया कि सियासी जमातों ने फॉर्म 11 और 12 पोलिंग एजेंट्स को ना देने की शिकायत की है। RO के जरिए प्रिजाइडिंग अफसरान को फॉर्म 11-12 पोलिंग एजेंट्स को देने की हिदायत करें। दूसरी जानब जमात इस्लामी कराची के उम्मीदवार हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि फॉर्म 11 और 12 फॉर्म नहीं किए जा रहे, कुछ DCs नतज जारी करने में रुकावट पैदा कर रहे हैं, RO ने नतज का ऐलान नहीं किया तो शहर भर में धरने शुरू कर देंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुर्तजा वहाब का कहना था कि कल तक जमात इस्लामी इलेक्शन करवाने का कह रही थी, अब नतज आना शुरू हुए तो जमात इस्लामी धरनों की बात कर रही है। जमात इस्लामी के हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, जितना आपकी इलेक्शन कैंपेन चली, जिस तरीके से चली, हमने सब देखा, सब नज़र आ रहा था, पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस तरीके से चली, फिर आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, फिर आपके धरने वगैरह, ये सब जारी थे। आपकी वजह से तो इलेक्शन होगा, मैं इस बात को मानता हूँ। हाफिज़ साहब, मुझे तो ये पूछना है कि क्या आप उस तरीके से कराची शहर में काम कर सकेंगे? खैर, बाकी जनाब के बारे में कुछ नहीं कहना पसंद करूँगा, मैं नहीं कह सकता उनके बारे में। कराची की 246 UCs और मेयर के इंतखाब का तरीका क्या होगा? देखो, अब इस चीज़ के बारे में, ये बड़ी अहम चीज़ है, कराची की 246 UCs और मेयर के इंतखाब का तरीका। हर UC में 4 वार्ड्स हैं, वोटर के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के अलावा वार्ड के जनरल काउंसलर मुंतखब करना होगा। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का एक वोट होगा, दूसरा वोट जनरल काउंसलर का होगा। हर UC से 11 अरकान पर मुश्तमिल होगी। UC में 6 अफराद बराह रास्त मुंतखब होंगे। UC में 2 खवातीन, 1 मजदूर, 1 नौजवान, और 1 अकलियत के नुमाइंदा शामिल होगा। यूनियन कमेटी में मखसूस नशस्तों का इंतखाब बराह रास्त वोटों से मुंतखब होने वाले यूनियन कमेटी के चेयरकान करेंगे। शहर के 246 यूनियन कमेटियों के चेयरमैन कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन काउंसिल काउंसिल के रुकन होंगे। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की काउंसिल 367 अरकान पर मुश्तमिल होगी, जिनमें 121 मखसूस नशस्तें हैं। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में 121 मखसूस नशस्तों पर अरकान का इंतखाब काउंसिल के 246 अरकान करेंगे। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में 81 खवातीन, 12 मजदूर, 12 नौजवानों की मखसूस नशस्तें शामिल हैं। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में 12 अखिलती अरकान, 2 ख्वाजा सरा और 2 माजूर अफराद की मखसूस नशस्तें भी शामिल हैं। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के 367 मतलब 367 अरकान शहर का मेयर मुंतखब करेंगे। कराची शहर में 25 टाउन्स हैं, हर टाउन का एक मुंतखब नाजिम होगा। हर UC का मुंतखब वाइस चेयरमैन काउंसिल और टाउन काउंसिल का रुकन होगा। टाउन काउंसिल के अरकान खवातीन, मजदूर, नौजवान, अकलियत, ख्वाजा सरा और माजूर की मखसूस नशस्तों पर इंतखाब करेंगे। कराची डिवीज़न में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और जनरल मेंबर की नशस्त के लिए 9,058 उम्मीदवार मैदान में हैं। कराची से चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के पैनल और जनरल मेंबर की नशस्त पर मुख्तलिफ यूनियन कमेटियों से 7 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। कराची डिवीज़न के जनरल मेंबर्स और चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की 12 नशस्तों पर उम्मीदवारों के इंतकाल के बाईस इंतखाबात 15 जनवरी को आज नहीं होंगे। इंतकाल करने वाले उम्मीदवारों में मुख्तलिफ यूनियन कमेटियों के 9 चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जबकि 13 जनरल मेंबर के उम्मीदवार भी शामिल हैं। तो भाई, कराची शहर में तो ये सब हो गया, इलेक्शन हो गया और कुछ जगहों के हुए ही नहीं,
क्योंकि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की 22 नशस्तों पर उम्मीदवार के इंतकाल हो गए, तो फिर 13 जनरल बॉडी जनरल काउंसलर्स हैं, जनरल मेंबर्स के उम्मीदवार भी शामिल हैं, तो बहुत सारे लोगों का इंतकाल भी हो गया है और इस तरह से हो गया है। मतलब ये बताना तो सही है और इस तरह की तफसील तो बहुत ज़रूरी थी कि ये बता दिया गया है कि इलेक्शन होगा, इस तरह से होगा, ऐसे होगा और यूँ होगा, क्यों होगा, ये सब कुछ इसमें तफसील तो बता दिया है। भाई मसला यह है कि जिस तरीके से गहमा गहमी नहीं थी उसका मसला है। खैर, कराची शहर के लोगों को मिलना क्या है, वो पहले सड़कों पर खड्डे मिले थे, फिर उसके बाद शहर तबाही की तरफ जा रहा था, बिजनेस सेक्टर बर्बाद किया जा रहा था और मज़ीद अभी चीज़ें बाकी हैं जो आगे होनी है। कुछ पता नहीं, अल्लाह ताला हाफिज़ नईम उर रहमान को मेयर बना दे तो हाफिज़ साहब ही शहर को बेहतर बना दें, क्योंकि कुछ लोगों का कल तो कहना है कि कराची का जो भी मेयर आएगा तो वो हमारी तरफ से खैरात में होगा। अबे भाई, जो खैरात और ज़कात की बात करने वाले, ज़कात का फंड, ज़कात की पर्चियों से पैसा बनाने वाले, वो खुद आज ज़कात खैरात का पैसा दबा के जो उन पर पल रहे हैं, फिर सरकारी पैसा मतलब आवाम के टैक्स के पैसों पे पल रहे हैं, वो MPs MNAs जो इस तरह के इजारे ख्याल करते हैं, तो उनसे क्या उम्मीद की जाए कि उनसे क्या होता। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब का बटन दबा दो और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।